टीवी इंडस्ट्री के अभिनेता करण पटेल की ये है राय भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया के अरेस्ट के बारे में। आइए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते दोस्तों, मैं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि करण पटेल जो है वो जाने माने अभिनेता है टीवी इंडस्ट्री के, और मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि उनको टीवी इंडस्ट्री का शाहरुख खान भी कहा जाता है। अब मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि करण पटेल जो है उन्होंने भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया के साथ एक रियलिटी शो किया है जिसका नाम है खतरों के खिलाड़ी। और करण पटेल को जब ये पूछा गया कि ये जो गिरफ्तारी हुई थी एनसीबी के द्वारा भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया की, उस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, तो करण पटेल ने बहुत ही अच्छी तरीके से डॉज करते हुए सवाल को ये जवाब दिया है कि वो क्या करते हैं अपने पर्सनल लाइफ में वो मुझे पता नहीं, मैंने सिर्फ एक ही शो में उन दोनों के साथ काम किया है और मैं ये बता सकता हूँ आपको कि मुझे उनके पर्सनल लाइफ में वो क्या करते हैं, वो किस प्रकार का बिजनेस या किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो आगे चलकर ये भी कहते हैं कि सिर्फ इस गिरफ्तारी की वजह से अब पूरी की पूरी टीवी इंडस्ट्री एक प्रकार से टारगेट नहीं होगी और जो भी हुआ है वो उनका पर्सनल मैटर है और बाकी तो देखा जाएगा। जी दोस्तों, इस प्रकार से करण पटेल जो है उन्होंने एक न्यूट्रल सा जवाब दे दिया है। पर क्या लगता है आपको, क्या वाकई अब टीवी इंडस्ट्री हो जाएगी टारगेटेड और आ जाएगी एनसीबी के रडार पर? क्या है आपकी राय इस पर, ज़रूर बताइए हमें इन द कमेंट्स बिलो। वी आर वेटिंग टू हियर यू। दिस इज शुल्का चौहान एंड यू आर वॉचिंग मूवीज़ अड्डा।